पर स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एम जो भी लेक्चर मेरे हो चुके हैं जैसे कंजम्पशन फंक्शन केंजियन कंजम्पशन फंक्शन एब्सोल्यूट इनकम हाइपीसीज परमानेंट इनकम हाइप्तीसिस रिलेटिव इनकम और लाइफ साइकिल हाइपतीस इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि, कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने वही वाले क्वेश्चन उठाए हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं एमसीक्यू पर के ले ऊपर लेकर आऊँगी तो वो डिसाइड करता है आपके लाइक्स पे कि आपको मेरा लेक्चर कितना अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी सो प्रेस द लाइक बटन चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज के फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल कहते हैं कि इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कहते हैं लीड टू कंजम्पशन फंक्शन बिकम स्टीपर शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड सिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन डाउनवर्ड सिफ्ट द सेविंग फंक्शन अपवर्ड तो क्या होगा अगर हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है कंज्यूम की वो इंक्रीज करती है तो क्या होगा तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है ना वो स्टीप हो जाता है ठीक है स्टीपर मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये सही है लेट द कंजम्पशन फंक्शन बिकम स्टिपर सिफ्ट शिफ्ट नहीं करेगा वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम जब इंक्रीज होती है ना तो शिफ्ट नहीं करता सिर्फ द कंजम्पशन फंक्शन डाउनवर्ड डाउनवर्ड भी नहीं करता वो और सिर्फ द सेविंग फंक्शन पे uh, मतलब अपवर्ड वो भी नहीं करता तो क्या होता है जो फर्स्ट ऑप्शन है ना स्टिपर वाला जो कंजम्पशन फंक्शन है स्टिपर वाला वो वाला होगा ठीक है तो कंजम्पशन फंक्शन है ना स्टीप कर जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट उसके बाद सेकेंड लिखा हुआ है द कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू टेन प्लस जीरो पॉइंट एट वाई डी का मतलब डिस्पोजिबल इनकम देन इफ़ द डिस्पोजिबल इनकम इज वन थाउजेंड वट इज़ द अमाउंट ऑफ द टोटल कंजम्पन टोटल कंजम्पशन कितना होगा अमाउंट ऑफ़ टोटल कंजम्पशन सो हमने क्या करना है टोटल कंजम्पशन मीन्स सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें डिस्पोजिबल इनकम कितनी गिवन है हमें गिवन है वन थाउजेंड तो हम यहाँ पे वाई डे की जगह पे वन थाउजेंड जब पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा ठीक है आप क्या करोगे सी इज़ इक्वल टू टेन प्लस जीरो पॉइंट एट और वाई डे की जगह पे आप वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा एट वन जीरो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कहते हैं कि द एम ए पी सी टू कंज्यूम इज़ मेजर्ड बाई ए पी सी कैसे निकालते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजूम कैसे निकालते हैं कंजम्पन डिवाइड बाई वाई ए ऑप्शन इज़ राइट क्योंकि बाकी तो देखो मल्टीप्लाई भी नहीं करते डिवाइड वाई अपॉन सी नहीं होता सी अपॉन वाई होता है और ना ही हम एडिशन करते हैं सो ए ऑप्शन इज़ राइट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं इफ़ द केन्जियन कंजुम्शन फंक्शन कहते हैं कि कैंजियन कंजुम्पन फंक्शन हमें ये वाला गिवन है टेन प्लस जीरो पॉइंट एट वाई देन वट इज डिस्पोजिबल इनकम इज डिस्पोजिबल इनकम भी गिवन है ये बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालिए तो आपको याद होगा हमारी इक्वेशन क्या होती है ए प्लस बी वाई तो जो हमारा ये बी है ये क्या होता है ये होता है एम पी सी और आपको पता है जो एम पी सी होता है वो जीरो और वन के बीच में रहता है है ना जीरो और वन के बीच में रहता है ये जो बी है जीरो और वन के बीच में रहता है तो जो ये बी है ना इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे होता है ना मीन्स कि ये जीरो पॉइंट एट हमारा क्या है एम पी सी है तो इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन इज़ राइट ठीक है उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है ए नेशनल इनकम इंक्रीज़ कहते हैं कि जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा कहते ए पी सी फोल एंड गेट्स नियर इन वैल्यू टू द एम पी सी ठीक है भाई बात भी ठीक है आगे रीड आउट कर लेते हैं कहते ए पी सी एंड डाइवर्जेस इन वैल्यू फ्रॉम द एम पी सी ए पी सी डिक्रीज़ करेगी एंड डाइवर्ज करेगी वैल्यू को एम पी सी को नहीं ये नहीं होता डाइवर्ज नहीं करती उसके बाद लिखा है कि ए पी सी कॉन्स्टेंट रहती है देखिए भाई जो भी व्यूज़ था केंज की के भी बात कर लेते हैं तो उसने क्या बोला था कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी बट उतनी नहीं होगी बट इंक्रीज तो होगी ना सो so, कॉन्स्टेंट भी नहीं रहने वाली उसके बाद बोल रहा है कि ए पी सी ऑलवेज अप्रोच इन्फिनिटी हर बार इन्फिनी भी नहीं रहती क्योंकि हम सेविंग भी करते हैं सो so, इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट right है ए पी सी मतलब फॉल तो करेगा क्योंकि सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी गेट्स नियर इन वैल्यू टू एम पी सी क्या होगा मतलब एम पी सी के नियर अबाउट पहुँचेगा कैसे क्योंकि ये दोनों वैल्यू लॉन्ग टाइम में बराबर होती है ना मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है मींस की एम पी सी और ए पी सी के वैल्यू नियर अबाउट समान हो जाती है एक टाइम के बाद जाके ठीक है उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कहते हैं कि द कंजम्पशन केंजियन फंक्शन सी इज इक्वल टू टेन प्लस जीरो पॉइंट एट वाई डी देन वेन डिस्पोजिबल इनकम इज वन थाउजेंड वट इज ए पी सी ए पी सी की वैल्यू निकालनी है देखिए ये एम पी सी है ठीक है एम आपके पास सबसे पहले आप क्या करोगे वाई डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा हमने पहले निकाला हुआ है ऊपर जो क्वेश्चन था तो हमारी जो कंजम्पशन है वो एट वन ज़ीरो इतनी आएगी ना अब हमने निकालना क्या है हमने निकालनी है ए पी सी तो वो क्या होती है सी अपॉन वाई सी कितना आया था वन ज़ीरो टेन डिवाइड बाय वन जीरो जीरो इससे आप करोगे तो जीरो से ज़ीरो गया और ये आ जाएगा पॉइंट एट वन ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन इज राइट उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए आप ना वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सबसे पहले टिक कीजिए उसके बाद मेरा सुनिए ताकि ये थोड़ा सा पता चले कि कौन सा आंसर राइट है आपका और कितना सही जा रहा है ठीक है सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं अब सेवंथ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम इज लाइकली लाइकली टू लीड टू क्या होगा भाई इसका आंसर कहते इंक्रीज इन कंजम्पशन एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम किसी भी इनकम के गिवन लेवल पे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा इसका मतलब कि अगर हमारी इनकम का जो लेवल है वो सेम है फिर भी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारी एडी हायर हो रही है एग्रीगेट डिमांड हायर हो रही है ना तो एक्सपोर्ट्स में चेंज आ रहा है ना टैक्स रेवेन्यू में कोई चेंज आ रहा है ना हम इंपोर्ट स्पेंडिंग पे कोई डिक्रीज हो रहा है कुछ नहीं बस हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है सो ए ऑप्शन इज राइट उसके बाद एट्थ की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइप्तीसियस लाइफ साइकिल हाइप्तीसियस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं द टाइम ऑफ लाइफ वेन एन इंडिविजुअल वेल्थ पीक इज हमारी जो इनकम है वो पीक पॉइंट पे कब होगी तो हमने डायग्राम में क्या किया था जो इस तरह से थी इन, आ, इनकम और ये कंजम्पशन ये पीक पॉइंट कब था मिड लाइफ में था ना तो ये क्या होगा डी ऑप्शन इज राइट मिड एज में होता है उसके बाद बात कर लेते हैं अंडर केंजियन फ्रेमवर्क इनकम इज मेजर्ड अलोन देखिए केंजियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इनकम किस तरह से मेजर की जाती है तो जो इनकम होती है ना वो ऐसे, ऐसे ही स्टार्ट होती है ओरिजिन से। और ये जो एंगल होता है ना फोर्टी फाइव डिग्री का होता है तो इसका ए ऑप्शन इज राइट फोर्टी फाइव डिग्री उसके बाद टें्लस बी वाई ये क्या था कैंजियन कंजम्पन फंक्शन ए का मतलब अटोनमस कंजम्पशन मतलब इनकम के लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो इसने यही पूछा है ए का मतलब क्या होता है तो कहते हैं कंजम्पशन एट लेवल ऑफ जीरो हमारी इनकम जीरो है तो भी कंजम्पशन होगी डायग्राम में हमने क्या किया था सी यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट नहीं होता ना तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा ए के बराबर है ए की वैल्यू जो भी है एक मिनिमम लेवल बना होता है ठीक है उसके बाद इलेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं अंडर केंजियन कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम केंजियन कंजम्पशन फंक्शन क्या था याद करो अनस्टेबल था इनवर्स था स्टेबल था या नेचुरल था देखो मैंने इन सब पे थ्योरीज बनाई हुई है केंजियन कंजम्पशन फंक्शन केंजियन साइकोलॉजिकल ला एब्सोल्यूट इनकम और परमानेंट इनकम और जो लाइफ साइकिल है रिलेटिव इनकम है सभी थ्योरीज बनाई हुई है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ वहाँ से आप अच्छे से डीपली उनको कर लीजिएगा अगर कोई भी डाउट है तो मैंने वहाँ पे ये सारा कुछ बताया हुआ है कि केंजियन कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है तो उसमें थ्योरी में भी लिखा हुआ था जो केंजियन फंक्शन होता है वो स्टेबल होता है तो सी ऑप्शन इज़ राइट उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं द रिलेटिव इनकम हाइपतीसियस स्टेट दैट द एम पी सी इज़ एम पी सी क्या होगी तो हमने एम पी सी के बारे में बताना है कहते कि रिलेटिव इनकम हाइप्थीसिस में क्या था एम पी सी की बात याद करो रिलेटिव इनकम हाइप्थीसिस में बताया था लोअर फॉर पीपल विद हाई इनकम जिनकी इनकम हाई होती है ठीक है रिच पीपल्स की उनकी एम पी सी लोअर होती है और जो पीपल लोअर जिनकी इनकम होती है ना उनकी एम पी सी हाई होती है सो बी ऑप्शन इज़ राइट उसके बाद थर्टीनथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कहते हैं कैजियन एब्सोल्यूट इनकम हाइप्टीशियस स्टेट दैट एज पर्सन इनकम इंक्रीज हिज एम पी सी डिक्रीज़ केंजियन एब्सोल्यूट इनकम देखो एब्सोल्यूट इनकम हाइप्टीसियस का क्वेश्चन आया हुआ है कहते हैं कि जब पर्सन की इनकम इंक्रीज करती है तो एम पी सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या वो डिक्रीज होगी इंक्रीज़ होगी या कॉन्सटेंट होगी देखो आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि एम पी सी कॉन्सटेंट करती है बट ये भी याद करो कि मैंने एक लाइन बोली थी थ्योरी में कि एक स्टेज के बाद एक लेवल के बाद जाके जा क्या होगा एम डिक्रीज़ भी करेगी सो ए ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ज़्यादा बेस्ट ए ऑप्शन है हाँ बात सी ऑप्शन भी सही है आपका बट सी से बेटर ए है क्योंकि केंज का व्यूज था एक लेवल के बाद जाके एम तो थोड़ा लीनियर जो कंजुमशन फंक्शन है ऐसे कर्वी लीनियर भी बन जाता है ठीक है ऐसे तो बनते ही है कंजुमशन फंक्शन और एक लेवल के बाद जाके कर्वी भी हो जाता है सो ए ऑप्शन इज राइट उसके बाद बात कर लेते हैं फोर्टीन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टाइम सीरीज स्टडी ऑन कंजम्पन बिहेवियर कुजनेट्स पजल विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू क्या होगा अभी इसमें क्या ट्रू है तो कुछ नेट्स ने एम के बारे में ये बोला था कि एम ना हायर होती है और मोस्टली हमारी कंज्पन का नाइन्टी हिस्सा कंज्यूम किया जाता है तो ना तो ए फॉल करती है ना ए मतलब मोस्टली इंक्रीज एम के बारे में उसने मोस्टली बात की थी तो इसका जो सी ऑप्शन है ना वो राइट है बिल्कुल मतलब एम है ना स्टैंडली इंक्रीज करेगी और जो एम की वैल्यू है ना जीरो पॉइंट नाइन तक रहेगी वो जीरो पॉइंट नाइन मतलब नाइन नाइन्टी परसेंट हिस्सा खर्च किया जाएगा इनकम का उसके बाद बात कर लेते हैं फिफ्टींथ क्वेश्चन कहते कि द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन लाइफ साइकिल थ्योरी की बात हो रही है कैन बी समराइज्ड एज फॉलो कहते फर्स्ट ऑप्शन है पीपल ऑल ऑलवेज स्टैंड टू कंज्यूम ऑलमोस्ट ऑल देयर करंट इनकम लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग क्या था क्या वो सारी इनकम को खर्च करेंगे नहीं ऐसा नहीं था लाइफ साइकिल में ये था कि वो मैनेजमेंट कर, करके चलते हैं तो आप ख़ुद रीड आउट कर लीजिएगा सी ऑप्शन सही बन रहा है इसमें कहते पीपल प्लान देयर कंज्यूमिंग एंड सेविंग पैटर्न टू ऑप्टिमाइज द लाइफ टाइम बेनिफिट फ्रॉम देयर इनकम लाइफ टाइम बेनिफिट को देखते हैं वो तो सी ऑप्शन राइट है लाइफ टाइम उसके बाद mm -hmm. सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपतीसिस लाइफ साइकिल हाइपतीसिस के अकॉर्डिंग कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर कौन से दो फैक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी कंजम्पशन को डिसाइड करते हैं तो इसमें जो है हमें पता है कि जो लाइफ साइकिल में आ, आपको मैंने बताया कि हमारी इनकम कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वेल्थ का भी इफेक्ट पड़ता है जो ह्यूमन एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है तो जो इसमें सी आंसर है उसमें क्या लिखा है लेबर इनकम एंड ए लाइफ टाइम जो इनकम का उसका हमारी ओवर लाइफ टाइम है ना उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ठीक है जो भी रिटर्न आ रहा है जो भी उसके पास कैपिटल्स हैं जो भी रिटर्न उसको बेनिफिट मिल रहा है ना उनका प्रभाव उसकी कंजन के ऊपर पड़ेगा वो डिटर्मिनेट है उसकी कंजन के अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल उसके बाद बात कर लेते हैं सेवनटीन्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कहते हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हैप कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ अ फ्लोइंग वेरिएबल एक्सेप्ट किसको छोड़ के बाकी लाइफ देखो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल परमानेंट इनकम को वो काउंट करता है ठीक है तो एक को छोड़ना है बाक, एक को छोड़ना है बाकी सभी लेने अपा ने तो परमानेंट इनकम को काउंट करेगा वो क्योंकि देखिए जो भी इनकम आ रही है वो उसके अकॉर्डिंग सेविंग भी करेगा और खर्चा भी करेगा और जो भी है लेबर इनकम को देखेगा अक्यूमलेटेड वेल्थ या एज देखो लाइफ साइकिल में मोस्टली क्या होता है परमानेंट इनकम को भी देखा जाता है एज को भी देखा जाता है वेल्थ को भी देखा जाता है एक ऑप्शन लेबर इनकम देखो जो लेबर की इनकम हो रही है जो लेबर को दे रहा है वो तो उसको देना पड़ेगा प्लस जो बेनिफिट हो रहा है ना वो तो काउंट कर सकता है वो खुद का बट लेबर की इनकम तो लेबर के काम आएगी ना सो बी ऑप्शन रोंग है इसमें बाकी लाइफ साइकिल जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा परमानेंट इनकम एक्मुलेटेड जो उसके पास वेल्थ है और एज को भी वो डिटर्मिनेट करेगा एटेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन पुट किया था मुझसे आज ही किसी ने तो मैंने ये ऑप्शन में भी यहाँ पे लिख दिया है अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप प्लीज़ मेरे से डिस्कस करिएगा इस क्वेश्चन के बारे में बट आपा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं देखिए यहाँ पे क्या वट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पास्ट इनकम हाइपतीसियस ऑफ ड्यजरी डिजनेबरी के आपको रिलेटिव इनकम हाइपतीसियस याद होगी थ्योरी है ना तो उसने क्या बोला था पास्ट इनकम हिशेज़ हाँ के बारे में उसका क्या कॉन्सेप्ट था तो उसने बोला था द करंट कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली करंट इनकम बट ऑल्सो द पास्ट इनकम बिल्कुल सही है ना सिर्फ करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हमने पास्ट इनकम को भी देखना है तो ए ऑप्शन इज़ राइट उसके बाद उसने क्या बोला था देर इज सिमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन देखो उसका रिलेशनशिप ठीक है मान लेते हैं सिमेट्रिकल था ठीक है बट ये नहीं है कि उसका हर टाइम ही सेम रहता है अगर जैसे कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन अगर उसकी अगर वो लो में इनकम जा रही है तो कंजम्पशन थोड़ा बहुत कम तो होएगा बट उतना नहीं होगा प्रॉपर सेम तो नहीं रहता ना अब थर्ड ऑप्शन में क्या था उसका कंजम्पशन फंक्शन इन रिवर्सिबल था याद करो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि इनकम इंक्रीज़ होने पे कंजम्पशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने पे कंजम्पशन डिक्रीज बट डिजनेबरी ने अपने रिलेटिव इनकम हाइपथीसिस में क्या बोला था कंजम्पशन फंक्शन इन रिवर्सीबल इन रिवर्सीबल का मतलब क्या होता है कि इनकम के इंक्रीज होने पे कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा और इनकम के डिक्रीज होने पे कंजम्पशन उतना डिक्रीज नहीं होगा मतलब इन रिवर्सिबल होगा रिवर्सिबल नहीं होगा तो सी ऑप्शन राइट है इसका तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड किस में दिया हुआ है इसमें तो दिया हुआ है ना ओलोफ अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंजम्पशन फोर लेस देन इनकम ड्यूरिंग डिप्रेशन बट द राइज इन कंजम्पशन इज मच मोर ड्यूरिंग एक्सपेंसन देखो ये फोर्थ ऑप्शन भी इतना करेक्ट नहीं है इसने बोला है कि कंजम्पशन राइज हो जाएगा जब हम मतलब इस मोर मोर ड्यूरिंग एक्सपेंशन में ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा हमें कोई मतलब नहीं है हमने सोसाइटी की इनकम को देखना होता है अगर सोसाइटी की इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी सो so, फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा बेटर जा रहा है इसका आंसर तो इसका ए ऑप्शन इज राइट उसके बाद कहते विच विच ऑफ द फ्लोइंग आर करैक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हैप्तीसिस परमानेंट इनकम हैप्तीसिस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है तो uh, इसने लिखा है कि द मेन इन्फ्लुएंस ऑन द लॉन्ग रन कंजम्पशन इज ट्रांजिट ट्रांजेटरी इनकम ठीक है भाई लॉन्ग रन में ट्रांजेटरी इनकम का मतलब होता है कि जो इनकम हमारी परमानेंट नहीं होती बट ट्रांजेट्री इनकम का लॉन्ग रन में प्रभाव तब पड़ेगा जब हमें श्योरिटी हो जाए कि हमारी जो ट्रांजेटरी इनकम है वो क्या परमानेंट इनकम का हिस्सा बन गई ठीक है तो जब हमें श्योर हो जाता है ना कि ट्रांजेटरी इनकम हमारी परमानेंट इनकम है लॉन्ग टाइम में जाके तो उसका प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है द मेन इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्ग रन कंजम्पशन इज सम फ्रॉम लॉन्ग रन एवरेज इनकम देखिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कहते द मेन इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्ग रन कंजम्पशन इज सम फ्रॉम लॉन्ग रन एवरेज इनकम कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा एवरेज इनकम लॉन्ग रन एवरेज इनकम का इतना बेटर नहीं है चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं द लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन विल टेंड टू स्टिपर देन शॉर्ट रन कंजम्पशन हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है आपको मैंने पहले भी मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ कि लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है स्टिपर होता है है ना शॉर्ट रन में तो ऐसे होता है ना और लॉन्ग रन में ऐसे बनता है स्टिपर बनता है ऐसे खड़ा हुआ है ना तो स्टिपर बनता है ये वाली <laughs> तो उसके बाद ए ऑप्शन सही है सी भी सही है इसका डी में क्या लिखा है लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन विल टेंड टू बी फ्लैटर फ्लैटर नहीं बनता डी गलत है कंजम्पशन फंक्शन विल टेंड टू बी कॉन्सटेंट प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज इनकम हाँ भाई कॉन्सटेंट रहता है लॉन्ग रन में जाके परमानेंट इनकम में जाके ए पी सी एम पी सी दोनों बराबर रहते हैं सो so इसका जो लास्ट ऑप्शन है ना बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है ये लास्ट ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है उसके बाद ट्वेल्थ ट्वेंटी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि द एविडेंस जस्ट दैट द शॉर्ट रन कंजन इज फ्लैटर देन द लॉन्ग रन कंजम्प्शन फंक्शन हाँ भी बिल्कुल सही है शॉर्ट रन कंजम्प्शन फंक्शन था ना केंज का वो फ्लैटर बनता है ऐसे फ्लैटर बनता है स्टिपर नहीं बनता ये स्टिपर है और ये फ्लैटर है तो कंजम्प्शन ये सही है इसका भाई केंज का फ्लैटर ही बनता है तो ए जो ट्रू है इसका आंसर ठीक है उसके बाद ट्वेंटी की बात कर लेते हैं कहते हैं कि इन ए लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पासिस थ्रू रीजन जब लीनियर पासिस करता है ओ से तो क्या होगा तो आपको पता है ए पी सी एम पी सी दोनों बराबर रहते हैं जब वो लीनियर से पास करता है यहाँ से कंजम्पशन फंक्शन पास करेगा ना तो इसमें ए पी सी एम पी सी बराबर होंगे उसके बाद बात कर लेते हैं ट्वेंटी टू क्वेश्चन के क्या लिखा हुआ है हाँ भाई इनको मैच करना है तो लिक्विडिटी ट्रैप आपको पता है के ने दिया था डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया था डिजनेबरी ने दिया था परमानेंट इनकम फ्रीडमैन ने और वेल्थ इफेक्ट पीगू ने दिया था ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद बात कर लेते हैं ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन के विच ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ट्रू है तो चलिए देखते हैं लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू तो कंज्यूम इज़ हायर देन द शॉर्ट रन प्रोपेंसिटी टू तो कंज्यूम लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी होती है ना वो शॉर्ट रन प्रोपेंसिटी कंज्यूम से हायर होती है हाँ जी बेटर है ऑप्शन तो सही लग रहा है यहाँ पे चलो आगे पढ़ लेते हैं द लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ लोअर देन द शॉर्ट रन देखिए लॉन्ग रन की प्रोपेंसिटी होती है ना वो लोअर तो नहीं होती लॉन्ग रन में तो बी ऑप्शन गलत है लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू शॉर्ट रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी केंज का व्यूज़ था ये वाला सॉरी ऊपर लिखना था मैंने बाकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो भाई ठीक है मान बात मान लेते हैं नहीं नहीं पर नहीं मान सकते क्योंकि देखिए लाइफ साइकिल में भी बात की थी परमानेंट में भी बात की थी कि हाँ भाई शॉर्ट टाइम में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है एपीसी ग्रेटर एमपीसी हो सकती है बट लॉन्ग टाइम में जाके बराबर हो जाएगी तो ये भी ऑप्शन सी वैसे देखा जाए तो गलत है कि लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम में बराबर होती है नहीं होती भाई एक एक का दिनॉमिकस्ट एकनो, है जिसने बोला थी बराबर होती है बट तो नहीं भाई हर किसी का व्यूज नहीं था कि दोनों टाइम में बराबर होती है सो सी ऑप्शन भी इसका राइट right नहीं है द लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सम टाइम हायर कभी हायर होती है कभी लोअर होती है नहीं ऐसा भी नहीं था तो ये जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट right है उसके बाद बात कर लेते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन द केंजियन कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब्स केंजियन कंजम्पशन फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है भाई बताइए क्या डिस्क्राइब करता है द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल जो है इसकी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड टोटल बिफोर टैक्स इनकम द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड डिस्पोजिबल इनकम द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड वेल्थ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड वेल्थ एंड डिस्पोजिबल इनकम तो इसका राइट आंसर क्या होगा अभी बताइए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड टोटल बिफोर टैक्स इनकम बिफोर टैक्स इनकम नहीं भाई द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड डिस्पोजेबल इनकम हाँ जी बी ऑप्शन सही लग रहा है केंस के अकॉर्डिंग क्या था टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग वो किस पे डिपेंड करती है किस पे रिलेशन होता है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर ही उसका मेन रिलेशन होता है उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड वेल्थ वेल्थ की कोई बात नहीं की थी उसने टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग वेल्थ एंड डिस्पोजेबल इनकम भाई उसने मेनली डिस्पोजेबल इनकम की बात की थी ठीक है लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्या लिखा हुआ है हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड डिस्पोजिबल इनकम कौन सा रिलेशन है जो बिल्कुल राइट right है क्या लिखा हुआ है कहते कि द कोरिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ डिस्पोजिबल इनकम इज हाई वाइल द कोरिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन डिस्पोजिबल इनकम इज हाई नहीं भाई ये कोरलेशन जो दिया हुआ है ना लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इज हाई वाइल द कोरलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम इज़ हाई कहते कि कोरलेशन जो है लेवल ऑफ इनकम लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम हाई ही होता है वाइल द कॉरलेसन बिटवीन जब इनकम और डिस्पोजेबल इनकम का कोरलेशन हाई होता है तो नहीं उसके बाद कोरलेशन बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इज़ लो लो एंड कोरोन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन डिस्पोजिबल इनकम इज़ हाई ये भी राइट नहीं है दॉरलेसन बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ डिस्पोजिबल इनकम इज लो वाइल द कॉर्लेसन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन डिस्पोजिबल इनकम इज लो लास्ट ऑप्शन क्या है द कोरलेसन बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ डिस्पोजिबल इनकम इज हाई हाई वायल द कोरोन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन डिस्पोजिबल इनकम इज लो हाँ जी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि जो कोरलेशन है ना इनकम का डिस्पोजिबल इनकम का वो क्या होता है लो होता है कोरलेशन जब इनकम एंड लेवल डिस्पोजिबल इनकम हाई होता है तो कोरलेशन चेंज इन इनकम और डिस्पोजिबल इनकम का लो होता है तब होता है ठीक है तो इसका जो टी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है ठीक है तो इसके बाद जो हमारी आंसर की यहाँ पे है नहीं, वीडियो में वो भी ऐड करने वाली थी बट आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा इसके सारे आंसर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू